हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने YouTube चैनल के लिए एक अट्रैक्टिव लोगो कैसे बना सकते हो। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपके YouTube चैनल के लिए लोगो कितना मायने रखता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आपके YouTube चैनल के लिए लोगो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपके YouTube चैनल की पहचान आपका लोगो ही कराता है। ठीक है, तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से लोगो कैसे बना सकते हो। तो आपको लोगो बनाने के लिए ऐप सिंपली आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। उस ऐप का नाम यहाँ पर दिया है पिक्सआर्ट। यहाँ पर आप आइकन देख सकते हो, ये आइकन है पिक्सआर्ट। ये आपको प्ले स्टोर में जैसे ही आप सर्च करोगे पिक्सआर्ट, तो आपको ये ऐप मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से इंस्टॉल करना चाहते हो तो वहाँ से इंस्टॉल कर लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली इसे ओपन करना है। तो जैसे ही मैं पिक्सआर्ट नाम का इस ऐप को ओपन करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, जैसे आपके सामने ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको सिंपली इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने मेरी ये गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कलर बैकग्राउंड। तो यहाँ से आप जिस भी कलर का बैकग्राउंड चाहते हो उस कलर का बैकग्राउंड यहाँ से ले सकते हैं, नीला, पीला, काला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली आपको लोगो बनाने के लिए एक वाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ। आप कोई सा भी कलर का बैकग्राउंड ले सकते हैं। अब बैकग्राउंड लेने के बाद आपको क्या करना है, सारा कुछ डिटेल वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो पे बने रहिए अंत तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है तो सब्सक्राइब करना। तो आपको सिंपली यहाँ से करना क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स का। जैसे मैं टूल्स वाले ऑप्शन पर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रॉप का। क्रॉप वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर सिंपली आपको स्क्वायर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट नाउ पर क्लिक कर देना है। अब राइट नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली जाना है टेक्स्ट पर। जैसे मैं टेक्स्ट पर जाऊँगा तो यहाँ पर आप अपने यूट्यूब चैनल का फर्स्ट नेम यहाँ पर टाइप करना है। चैनल का नाम नहीं टाइप करना है, चैनल के नाम का फर्स्ट लेटर यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मैं अपने अपने चैनल का फर्स्ट नेम यहाँ पर लिख देता हूँ सत्यम, यानी कि S। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पर राइट नाउ पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद क्या करना है, सारा कुछ बताया जाएगा। यहाँ पर आपको कलर पे आना है। कलर में आप कोई सा भी कलर ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लाल कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर राइट नाउ पर क्लिक कर देना। अब राइट नाउ पर क्लिक करने के बाद दोबारा से आपको टेक्स्ट पर जाना है। टेक्स्ट पर जाने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपने चैनल का लास्ट नेम लेना है। जैसे कि मैं सत्यम चतुर्वेदी नाम से लोगो बना रहा हूँ तो आपको यहाँ पर कैपिटल सी ले लेता हूँ। कैपिटल सी लेने के बाद राइट नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं राइट नाउ पर क्लिक करूँगा फिर आपको यहाँ पर कोई जैसा भी कलर आप चाहते हैं वैसा कलर आप यहाँ पर चूज करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली इसके बगल में सेट कर देना है इसे। ठीक है, सेट करने के बाद यहाँ पर राइट नाउ पर क्लिक कर देना है। अब राइट नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से टेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, तो अपने चैनल का पूरा नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे मैंने बना था सत्यम चतुर्वेदी नाम का मैं लोगो बना रहा हूँ, और आपको ऐसे ही करना है। अपने चैनल का पूरा नाम टाइप करने के बाद यहाँ पर कलर पे जाना है। आपका जो फर्स्ट लेटर वाला कलर है वैसे ही चूज करने के बाद यहाँ पर इसको नीचे की तरफ ले आना है। इसके साइज़ में आपको सेट करना है, हल्का सा थोड़ा बड़ा छोटा यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा। हल्का सा बड़ा कर लिया मैंने। करने के बाद यहाँ पर राइट नाउ पर क्लिक कर देना है। अब राइट नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब ये हो गया हमारा लोगो कंप्लीट। अभी नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा कम बाकी है। अब इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर जाना है ड्रॉ वाले ऑप्शन पे। जैसे मैं ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाऊँगा तो मेरे सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक कलर का और एक ड्रॉ का। तो आपको सिंपली ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे मैं ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो उसके बाद यहाँ पर मेरा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद स्टॉक करके यहाँ पर ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद यहाँ से मैं जैसे एक रिंग लूँगा यहाँ पर इसको आगे पीछे करके लोगों पर लगा देना है। लोगों पर लगाने के बाद क्योंकि आपका जो लोगो होता है वह रिंग यानी कि सर्कल टाइप में होता है, तो आपको सर्कल टाइप में स्टॉक लेने के बाद यहाँ पर राइट नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं राइट नाउ पर क्लिक करूँगा तो मेरे देखिए लोगो तैयार हो गया। अभी मेरे लोगो में थोड़ा सा काम बाकी है। यहाँ पर आपको सिंपली टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है शेप क्रॉप। अब शेप क्रॉप के जाने के बाद आप जिस भी आकार में इस फोटो को इस लोगो को सेट करना चाहें उस आकार में इस लोगो को सेट कर सकते हो। मैं सिंपली आपको सर्कल लेना है। अब सर्कल लेने के बाद अपने हिसाब से यहाँ पर सेट
सेट करना है ऐसे जैसा आप चाहें वैसा। सेट करने के बाद आपको सिंपली आगे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो बैग या इसकी जो बैकग्राउंड होता है इसका हम नीला काला कर सकते हैं, इसका जो स्टोक लगा सकते हैं किनारे पे, ठीक है। जैसे मैंने लगा दिया एक स्टोक, जिससे मेरा जो लोगो है वो और भी अट्रैक्टिव लगने लगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। अब सेव आपको जहाँ मर्जी वहाँ कर सकते हो, आप गैलरी में कर सकते हो, फेसबुक में कर सकते हो, यहाँ पर आगे ये आगे की तरफ जो आपका ये एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा, अब इसके बाद आपकी जो गैलरी खोल देखिए पोस्ट टू पिक्सार्ट, आप चाहें तो पिक्सार्ट में ही रहने दें, चाहे तो फेसबुक में, चाहे तो व्हाट्सएप में, चाहे तो अन्य जगह। यहाँ पर आपको सिंपली गैलरी में टैप करने के बाद आपको यहाँ पर डन पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं डन पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये लोगो हमारा गैलरी में सेव हो गया होगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारा ये लोगो गैलरी में सेव हुआ कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा जो लोगो था ये हमारी गैलरी में सेव हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक अट्रैक्टिव लोगो बना सकते हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे कल की वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।